जी, कैफ वन का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। अच्छा, इसका जो बेसिक्स वाला सब्जेक्ट था आईटीए, आप लोगों ने वो पीआरसी के अंदर कवर किया है। अब इसका एडवांस पेपर है FAR 1, फिर इसका इंशाल्लाह आगे एडवांस पेपर आप लोगों का बनेगा FAR 2, और फिर उसके बाद आप लोगों का बन जाता है AFR और फिर MSA। ये टोटल इसकी हायरार्की बनती है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने आईटीए पढ़ा था इसमें एक तो आप लोगों ने बेसिक्स कवर की थी, प्लस जो मेन डिस्कशन थी ना वो थी अबाउट सोल ट्रेडर, यानी उसके अंदर ऐसे कंपनीज के अकाउंट्स आपने नहीं पढ़े, आपने सोल ट्रेडर से रिलेटेड अकाउंट्स कवर किए थे। एफएआर वन में जब आप आते हैं ना तो इसमें हमने सोल ट्रेडर से रिलेटेड भी पढ़ना, कंपनी से रिलेटेड भी पढ़ना है, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में भी आप लोगों ने कवर करना है। बाकी इंशाल्लाह जब आप एफएआर 2 में जाएंगे तो इसके अंदर मेनली कंपनीज एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज इसके बारे में आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एफआर के अंदर फिर आपका कंप्लीट सारे ही आना शुरू हो जाता है। तो बताने का मतलब यह है कि आईटीए के अंदर आप लोग जो बेसिक्स पढ़ के आए हैं वो स्टिल यहां पे चलेंगी, और उधर आपने सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आप लोगों ने I2B में पढ़ा था टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें आपका सोल ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, तो वहां पे आपने सारी डिस्कशन की थी अबाउट सोल ट्रेडर। यहां पे आपका जो एफ ए आर वन का सिलेबस है इसमें सोल ट्रेडर की भी एप्लीकेशन आएगी, कंपनीज की मेनली आएगी, यानी जो मेजर पोर्शन होगा ना वो आपका कंपनीज का होगा, और एक टॉपिक है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओस वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एफआर टू वाला फिर इंशाल्लाह जब आगे जाएगा तो आपका आगे फर्दर डिटेल शुरू हो जाएगी। तो बताने का मतलब ये है कि ये जो अभी हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आईटीए की बेसिक्स के ऊपर ही बेस करेगा, और कुछ चीजें तो इधर रिपीट हो रही होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन आप लोगों ने इधर भी पढ़ा इधर भी पढ़ेंगे, इन्वेंट्री की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन इधर भी की थी इधर भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आ जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे आपने जो पढ़ ली उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पढ़ी थी, इधर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी करोगे। ठीक है, इसके अंदर आपके नोट्स अकाउंट्स वगैरह भी बना करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी आ जाएगी, तो वो सारी चीजें हमारी यहां पे आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफएआर वन का जो हमारा सब्जेक्ट है ये मेनली कवर कर रहा होगा कंपनीज को, और कंपनीज के अंदर कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज होती है, तो जब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम उन टर्म से ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जहां तक सिलेबस का आपका मसला है अच्छा, अब अगर इसका हम सिलेबस देखें थोड़ा, तो सबसे पहले तो आपको मैंने इधर बताया कि हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू कंपनीज के, वो टर्मिनोलॉजी जो कंपनीज में यूज होती हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इसके आगे अगर आप देखें तो दो कॉलम बने हुए, एक प्रोफिशिएंसी लेवल और एक टेस्टिंग लेवल। प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब आईकैप क्या एक्सपेक्ट करता है, आपकी किस हद तक ग्रिप होनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और टेस्टिंग लेवल का मतलब कि किस मार्क्स तक का, कितने मार्क्स तक का इसका क्वेश्चन आ सकता है, कितना ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब P1 जो होता है, यानी यहां पर आप देखें सबके साथ P2 लिखा हुआ है, P1 का मतलब होता है कि बस बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि है क्या, ज्यादा डिटेल नहीं। P2 के अंदर हम लोग कहते हैं कि ना सिर्फ बेसिक नो हाउ
बल्कि उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन वगैरह, उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। और P3 के अंदर फिर आगे आपसे फर्दर कॉम्प्रीहेंसिव यानी ओवरऑल मैक्सिमम नॉलेज उस चीज का हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में P3 नहीं है, मेनली चलेगा P2। और P2 के अंदर आप कहने का ये उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस कॉम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन आती है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। अच्छा, टेस्टिंग के अंदर देखें T1 होता है, T2 होता है और T3 होता है, ठीक है। ये ICAP ने जो डिफाइन किया, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो T1 के अंदर जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वो 8 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है। T2 के अंदर अप टू 20 मार्क्स तक का होता है और T3 में अप टू 25 होता है, ठीक है। तो इस हद तक मार्क्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर आप लोग अपने इसमें देखें तो T3 कहीं पे भी नहीं है, T1 है या फिर T2 है। तो ये ICAP ने जैसे उनको एक्सप्लेन किया हुआ, वही मैंने साथ रेफर किया हुआ इधर। तो ये जो मैंने लिखा ना टर्म्स रिलेटेड टू कंपनीज, और ये मैंने नोट एप्लीकेबल लिख दिया, उसकी रीजन ये है कि चूंकि ये सिलेबस के अंदर ICAP ने दिया ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी कोई वेटेज वगैरह के बारे में भी नहीं बताया। बट जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, तो जब भी ये मैं टर्म यूज करूंगा आप कंफ्यूज होंगे। तो उस वजह से हम पहले ये सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेंगे, ताकि फिर जहां पे ये टर्म यूज हो तो आप लोगों को कोई हर्डल या इश्यू ना आए। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो आपके प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट होगा सेकेंड पॉइंट से, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16। अच्छा, आप लोगों ने ITM में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर आप लोगों को ना कुछ चीजें साथ साथ बताई गई थी, जैसे आपको डेप्रिसिएशन के मेथड बताए गए, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करनी, कब तक कैलकुलेट करनी वो बताई गई, रिव्यू ऑफ लाइफ, रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये चीजें बताई गई, ठीक है। तो वो एक्चुअली साथ साथ IAS 16 कवर हो रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पे डिटेल्ड में नहीं हुआ, उसके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे वो मिस किए हुए थे, क्योंकि उस वक्त वो इंट्रोडक्शन था। अब ये आपका सिलेबस में पूरा स्टैंडर्ड बन जाता है। तो अगर हम लोग बात करें आपके सिलेबस की, तो डेप्रिसिएशन सिलेबस का पार्ट नहीं है अब लेकिन जब तक आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं आती होगी, आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन भी रिकॉल करेंगे, जो IAS 16 के पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी आप कवर करेंगे, और इन एडिशन टू इट जो आपके सिलेबस का अपना पार्ट है डिस्क्लोजर रिवेल्यूशन मॉडल, वो भी हम लोग करेंगे। अगर आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मुझसे पूछें तो तकरीबन हर दूसरी टर्म में इसका क्वेश्चन आता है, और नॉर्मली ये आपका T2 में टेस्टिंग होती है, 18 नंबर 20 नंबर इस तरह इसका क्वेश्चन आता है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IAS 16। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो पढ़ेंगे वो होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपको याद होगा आप लोगों ने ITA में एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, ठीक है, जिसके अंदर आपने कहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और फिर नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। तो यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IAS 7, ये एक्चुअली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। अच्छा, अगर इनके लिए अगर आप आगे देखें तो उसने कहा है कि प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 होगा और इसका टेस्टिंग लेवल भी 2 होगा, ठीक है। टेस्टिंग लेवल 2 होने का मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोगों का तकरीबन 20 के करीब करीब मार्क्स का हो सकता है। अगर आप पास्ट टेंस मुझसे पूछें जो लेटेस्ट आ रहे हैं 18 नंबर 17 नंबर 20 नंबर इस मार्क्स तक का इसका क्वेश्चन आ रहा है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल होता है, मतलब अगर ये पेपर में आ जाए तो इजीली आप लोग इसको 25-30 मिनट में सॉल्व कर जाते होते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसका भी उसने कहा प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 होगा और लेवल ऑफ टेस्टिंग भी 2 होगा। इसके अंदर हम लोग देखेंगे
कि चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है। देखिए, अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, महीने बाद 40 लाख की मैं ड्रॉइंग्स करके ले गया, तो इसका मतलब अब मेरा कैपिटल बाकी कितना रह गया होगा? 10 लाख। ठीक है, अब उस 10 लाख में आपको मैं कहता हूं जी ओवर द ईयर मुझे 2 लाख का प्रॉफिट भी हो गया, तो एंड पे मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 12। अब अगर आप लोगों को मैं ये कहूं 50 लाख से बिजनेस शुरू किया, साल के एंड पे 12 लाख रह गए, अब आपके जेहन में क्या आ रहा होगा कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस बिजनेस की अच्छी थी या कोई लॉसेस में गई जिसकी वजह से कैपिटल कम हो गया? हाँ जी, आपके फौरन जेहन में ये आएगा कि यार इसको लॉसेस हुए, इसका कैपिटल 50 लाख से कम हो गया, 12 लाख ही रह गया। अब आपको तो नहीं पता 40 लाख तुम्हें वापस निकाल के ले गया था। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ओवर द ईयर जो इक्विटी में मूवमेंट आई, जो आपने इंट्रोडक्शन किया, जो आपने विड्रॉल किए, वो सारी मूवमेंट शो हो जाए। तो ये भी आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और आगे इंशाल्लाह जब आर्टिकल करेंगे आप देखेंगे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये पांचों चीजें बन रही होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, फाइनेंशियल पोजीशन भी, चेंजेस इन इक्विटी भी, कैश फ्लो भी, और नोट्स टू द अकाउंट्स भी। तो दो पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बाकी जो तीन चीजें थी वो आपने इधर पढ़नी है, ठीक है, जिसमें से अभी एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आ गई, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई। अब तीसरा मैंने आपको कहा नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, तो जितने भी IASs पढ़ने हैं इनके साथ आपने डिस्क्लोजर पढ़ने हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर वो डिस्क्लोजर आप लोगों ने प्रोड्यूस करना होते हैं। अच्छा जी, आगे आपको कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स, दैट इज IAS 8। कह रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी लेवल 2 होना चाहिए, लेकिन इसकी जो लेवल ऑफ टेस्टिंग होगी वो 1 होगा, मतलब इसका 8 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। अच्छा, पहले कभी ना ये रिपोर्टिंग 2 के सिलेबस का पार्ट था और हर दूसरी अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता था और 18 से 20 नंबर तक का होता था, लेकिन जब से ICAP ने आपके सिलेबस में डाला है तो उसने इसका ना लेवल ऑफ टेस्टिंग 1 कर दी है। अब हर अटेम्प्ट में तो नहीं आ रहा, एक दो अटेम्प्ट छोड़ के आ जाता है और ये वही 10-12 इस मार्क्स की रेंज में आता है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें ना तो उसने वर्ड क्या यूज किया था, काउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स, पॉलिसीज, ठीक है, बाकी आगे इंशाल्लाह स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। पॉलिसीज की कोई ऐसे एग्जाम्पल आपके जेहन में आती हो, मतलब अभी तक जो ITA में आपने पढ़ा है उसमें से कोई, ये चले IAS 16 डेप्रिसिएशन की हम बात कर लेते हैं, इसकी कोई पॉलिसी आपके जेहन में हो? कौन से वाला? नहीं, आपके जो मेथड्स होते हैं वो आपके एस्टिमेट होते हैं। अच्छा, वहां पे क्योंकि माइट भी आपको टीचर ने ना बताया, क्योंकि सिलेबस का पूरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक्चुअली ना इसके दो मॉडल होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन आप लोगों का यहाँ पे आप पढ़ेंगे, उधर आपका सिर्फ कॉस्ट मॉडल था। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, जब आप फाइनेंशियल पोजिशन में नॉन करंट एसेट लिखते थे तो उनकी इक्विटी डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते थे ना, कॉस्ट माइनस इक्विटी डेप्रिसिएशन, तो आप बुक वैल्यू पे लिखते थे, ये कहलाता है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। इसी तरह इसका एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। अब रिवैल्यू नाम से क्या लग रहा है आपको? हाँ, उसकी दोबारा कीमत लगवाओ, जो नई कीमत उस पर लिख दो, वो चाहे बढ़ गई हो तो बढ़ा के लिख दो, कम होगी तो कम करके लिख दो, ठीक है। तो ये इसके पॉलिसी होती है। हाँ, IAS 2 के अंदर आपने FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा था, वो आपकी पॉलिसी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना एस्टिमेट्स, तो ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन, ये आपका एस्टिमेट था। जो एसेट की यूजफुल लाइफ होती है, 4 ईयर 5 ईयर, ये एस्टिमेट होता है, ठीक है। इसी तरह जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो भी आपका एस्टिमेट होता है। तो बहरहाल यहां पर उसने आपको कहा कि हम पॉलिसीज के बारे में, एस्टिमेट्स के चेंजेस के बारे में और प्रायर पीरियड एरर्स। अच्छा, वैसे इसके नाम से क्या लग रहा है, प्रायर पीरियड एरर्स? हाँ, यानी वो एरर जो पिछले सालों में हो चुके हैं, पता आपको अब चले। देखें, जब तक पता नहीं है तो आपने ठीक भी नहीं किया होगा, आज अगर आपको पता चल गया तो उसको ठीक भी तो करना चाहिए। तो अब मसला है, मुझे पता चला आज से 2 साल पहले मैंने एक एक्सपेंस कम लिखा था,
तो क्या उसको इस साल का एक्सपेंस बना दूं? नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। वो पूरा हम स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे, है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, लेकिन आईकैप ने इसका लेवल ऑफ टेस्टिंग मन किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी कोई नया टॉपिक सिलेबस में डलता है ना, तो आईकैप उसका लेवल ऑफ टेस्टिंग मन रखता है। फिर उसके बाद जब कुछ अटेम्प्ट गुजर जाती है, स्टूडेंट को नो हाउ होना शुरू हो जाता है, फिर उसका लेवल चेंज कर दिया जाता है। तो अभी बहरहाल इसका वन चल रहा है। आगे आते हैं रेशियोज। रेशियोज आपको पता है रिलेशनशिप एनी टू वेरिएबल्स, कोई से दो वेरिएबल का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम रेशियोज का नाम दे देते हैं। फर्स्ट करें, आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं स्टॉक एक्सचेंज चले जाएं, वहां मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स की सेल परचेज हो रही, जाके शेयर खरीद लो। अब मसला है वहां पे तो हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के शेयर सेल परचेज हो रहे हैं, आप किसके खरीदें? तो होता क्या है, उन तमाम कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उधर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, वेबसाइट पे भी होती हैं, उधर भी हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। अब आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ लें और उनके बाद डिसाइड करें। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं कैसे डिसाइड करूं? फर्ज करें एक का प्रॉफिट 10 लाख है, एक का 12 लाख है। अगर मैं आपको कहूं इसकी बेस पे डिसाइड करो, तो आप मुझे क्या कहेंगे किसमें इन्वेस्ट करूं? 12 वाले में, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं ये जो 10 लाख प्रॉफिट हुआ है ना, इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 20 लाख की, जिसको 12 लाख हुआ है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 करोड़ रुपए की। अब वो 20 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो 1 करोड़ रुपया लगा के 12 लाख अर्न कर रहे हैं, मतलब 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको क्या करना चाहिए? 10 लाख वाली में करना चाहिए कि कम पैसे लगा के प्रॉफिट ज्यादा? तो ये अब आपने कैसे डिसाइड किया? आपने दोनों चीजों का रिलेशन चेक किया। ये सारा काम हमने रेशियो एनालिसिस में करना होता है। तो रेशियो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका ऑडिट हो, चाहे रिपोर्टिंग टू हो, चाहे मैनेजेरियल फाइनेंस हो, ये रेशियोज आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कंपैरेटिवली सिंपल होता है। एक्चुअली ना इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब कमेंट्स पास करना होते हैं, और आईकैप ने बेसिक लेवल के कमेंट्स सिलेबस में डाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बहरहाल इसका अगर आप लेवल ऑफ टेस्टिंग देखें तो वो भी 2 है और प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अर्निंग पर शेयर, IAS 33। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है अर्निंग पर शेयर? हाँ, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो हम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, वहां पे अर्निंग पर शेयर निकला होता है कि इस कंपनी को पर शेयर 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, इसको 12 रुपए, इसको 5 रुपए। तो पहले कभी ना हर कोई अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर लेता था, तो फिर हम लोगों ने देखा कि लोग इसको देख के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पास करते हैं, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, तमाम लोग एक ही तरीके से कैलकुलेट करें। उसके लिए फिर ये IAS 33 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंदर उसने उसके फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा और फिर कैसे इसकी कैलकुलेशन वगैरह की जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग इधर भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे AFR एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाके भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज बोरोइंग कॉस्ट्स, IAS 23। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग्स का वैसे क्या मतलब होता है? लोन वगैरह लेना। तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब उस लोन की जैसे जो कॉस्ट बढ़ती है। अच्छा, आप जब लोन लोगे क्या कॉस्ट बढ़ सकती है? हाँ, मेन चीज आपका इंटरेस्ट पड़ता है आपको। वैसे जब हम बैंक वगैरह से लोन लेते हैं ना, वो आपसे प्रोसेसिंग फी भी लेता है, ये भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया होगा ITA में, तो आपको कहा गया होगा कि नॉन करंट एसेट को खरीदने से लेके रनिंग पोजीशन में लाने तक जो खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड किया करो।
तो कुछ लोगों ने ना पॉइंट रेज किया कि यार अगर वो एसेट मैंने लोन लेके खरीदा था तो क्या वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट में ऐड कर दूं, यानी उस इंटरेस्ट को भी कैसेट की कॉस्ट में ऐड करूं कि ना करूं। तो उसके लिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ था IS 23। इसने आपको गाइड किया कि उस इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट करनी है। जब पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था ना IS 23, अब जो आप पढ़ते हैं ये चेंज है। पहले वाला जो था वो कहता था नहीं इंटरेस्ट ऐड ना करो, उसका प्रेफर्ड मेथड था इंटरेस्ट को एक्सपेंस शो कराओ। ऑल्टरनेटिवली उसने कहा था सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, अगर चाहो तो कर सकते हो बट प्रेफर नहीं है। लेकिन 2007 के अंदर स्टैंडर्ड फिर रिवाइज हुआ। अब उसने कहा कि आप इसको कॉस्ट में ही ऐड किया करोगे, लेकिन हर एसेट के नहीं, कुछ एसेट्स के। तो वो कौन सा एसेट होगा, कितना इंटरेस्ट ऐड करूंगा, वो सारी चीज हम इधर IS 23 में पढ़ेंगे। ये भी पहले कभी रिपोर्टिंग 2 के सिलेबस का पार्ट था और इसका 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन इधर जब से आपके पेपर में डला है तो ICAP इसको 4-5 नंबर से ज्यादा का टेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप इधर भी देखें तो इसका लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या लिखा हुआ है, T1। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट 9th टॉपिक हमारा होगा IS 40। अच्छा, प्रॉपर्टी का क्या मतलब, यानी घर, बिल्डिंग, प्लॉट, इस तरह की चीजें होगी ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हाँ यानी आप कहीं पे पैसा लगाते हो विद द इंटेंशन कि आप वहां से कोई इनकम जनरेट करोगे। अच्छा, अब जब मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब ऐसा घर, ऐसा प्लॉट जहां से इनकम जनरेट होगी, किस फॉर्म में इनकम जनरेट होगी, मतलब मेरे पास एक घर है, घर से कैसे इनकम मुझे मिल सकती, रेंट पे दे के, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में स्टैंडर्ड गाइड करेगा जो आप इसलिए लेते हो कि या तो मैं इसको रेंट पे चढ़ा के रेंटल इनकम जनरेट करूंगा, तो या इसको मैं रख लूंगा, जब महंगा हो जाएगा फिर बेच दूंगा, तो इसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ना एक्चुअली रियल स्टेट को लोगों ने एक बिजनेस बना लिया हुआ है, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली आप लोग देखें आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट होती जा रही है। और अक्सर लोग जो नई सोसाइटीज बनती हैं, आप देखें प्लॉट उसके सारे बिक गए होते हैं, घर चंदे बने होते हैं। होता क्या है, मतलब फर्ज करें अगर मेरे पास पैसे हैं, एक नई सोसाइटी बन रही है, मुझे पता भी इसके प्लॉट सस्ते होंगे, लोग इसको जानते नहीं है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगी तो कई टाइम्स इसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, प्लॉट खरीद के रख लेते हैं कि 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जब महंगा होगा तब बेच दूंगा। तो वो जो प्लॉट खरीदा जाता है वो भी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये उस वाले IS 16 में कवर नहीं होती, इसका अपना अलग स्टैंडर्ड है, अलग गाइडलाइन है, तो वो इंशाल्लाह हम यहां पे पढ़ेंगे। इसका भी अगर आप लेवल ऑफ टेस्टिंग देखें तो उसने आपको क्या बताया हुआ है कि 2। ठीक है, लेवल ऑफ टेस्टिंग 2 लिखा है, लेकिन अभी तक ICAP ने जिसको कवर किया वो 1 में ही कवर किया, 2 अभी तक नहीं टेस्ट किया उसने इसको। आगे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट के, गवर्नमेंट ने आपको कोई रिसोर्स ट्रांसफर किए, गवर्नमेंट ने आपको कोई पैसे दिए या कोई अदर नॉन कैश आइटम दे दी कि जी ये आप यूज करो। मसलन फर्ज करें, अच्छा आप लोगों ने देखा जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गांव वगैरह हैं, विलेजेस वगैरह, वहां पे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं होती, तो वो फिर क्या करते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं, उससे शहरों पे बर्डन पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्ज करें मेरे पास पैसे हैं और मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो मैंने सोचा यार किसी गांव में जाके लगा लेते हैं, चीप लेबर मिल जाएगी। अब बेशक मैंने अपना फायदा सोचा, गांव में जाके लगाऊंगा, सस्ती लेबर मिलेगी और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, लेकिन वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगी। अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार इस बंदे ने काम अच्छा किया, लोगों को उनके घरों के पास एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अब उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट ने मुझे यह कहा कि यार तुम्हारा कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, मैंने कहा 50 लाख। गवर्नमेंट ने से मुझे कहा कि चले 10 लाख हम आपको देते हैं एज अ गुड गेस्टर, लेकिन अब आपने यहां से कंपनी शिफ्ट नहीं करनी, इधर ही काम करेगी। तो वो जो 10 लाख गवर्नमेंट ने मुझे दिया, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। माइट बी गवर्नमेंट इस तरह भी कर सकती थी,
कि गवर्नमेंट कोई अपनी मुझे जगह दे देती कि यार इसके ऊपर आप फैक्ट्री लगा लो। अब जैसे आप लोगों को आइडिया होगा शायद बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हमारे जो बलूची स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अगर सीए वगैरह करना है तो इनको दूसरे सूबों में जाना पड़ता है। तो अगर कोई सीए का कॉलेज बलूचिस्तान में कोचिंग शुरू करना चाहता है तो हम उसको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो बस आके इधर पढ़ाने शुरू कर दें, ठीक है। तो अब वो गवर्नमेंट, इसका मतलब वो बिल्डिंग गवर्नमेंट की होगी, ठीक है, ना कोई रेंट ले रहे होंगे, बस कंडीशन क्या होगी जी, इधर आपने सीए को पढ़ाना है। तो इस तरह के अगर गवर्नमेंट ने कोई नॉन कैश रिसोर्स ट्रांसफर किया वो भी ग्रांट कहलाती है। इनकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड के अंदर कवर करेंगे। लेवल ऑफ टेस्टिंग इसका 1 होगा। उसका इंपेयरमेंट लॉसेस, ठीक है, इसका भी लेवल ऑफ टेस्टिंग आपका 1 होगा। IS 36 है, इंपॉर्टेंट है। IS 36 का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना भी आए तो IS 16 के साथ मिक्स करके आ जाता है। अगर आप लोगों का ट्रेंड मैं बताऊं पिछली 7-8 अटेम्प्ट्स का, तो आप लोगों का ना पेपर में आमतौर पे क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। मतलब क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, उसका एक पार्ट IS 16 का होगा, एक 23 का, एक 36 का, इस तरह करके उसने 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया होगा। तो ये इंपेयरमेंट लॉस उसके अंदर कवर कर जाता है ICAP। उसका नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो एनजीओस वगैरह हैं। अब इवन आपका जो ICAP है, ICAP भी एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है और आपको मैं कोई इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं, तो ये इसको ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट काम चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। अगर आप ICAP की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोले ना वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे उसने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया होता, वो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल कैसे बनाती हैं, वो सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स। अब इसके नाम से क्या लग रहा है आपको, आप लोगों ने एरर की है, मसलन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे थे, रिकॉर्डिंग करते गलतियां कर दी, बाद में ट्रेस हो गई, अब उनको ठीक भी तो करना है, वो कैसे किया जाता है, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज कैसे पास होती हैं, वो इंशाल्लाह हम सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। और लास्ट में आ जाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, वैसे आप अपना स्टडी टेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, लेकिन मैं आपको एंड पे कराऊंगा। उसकी वजह यह है, जब तक आपने बाकी सिलेबस नहीं ना पढ़ा होगा, मुझे एक एक लाइन पढ़ा के एक्सप्लेन ही करना पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम अपने सिलेबस पढ़ लेंगे तो जैसे मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आपको फौरन समझ आ जाएगा बात किस चीज की हो रही। तो इसलिए फ्रेमवर्क को हम एंड पे जाके करेंगे। तो ये टोटल आपके ना 13 टॉपिक बनते हैं जो कि सिलेबस का पार्ट है। 14 इधर इसलिए लिखे कि मैंने वो टर्म्स लिख दी हुई थी सबसे ऊपर। अच्छा, उसके बाद ना ICAP ने इसकी वेटेज आपको बताई है कि किन किन चैप्टर में से कितने परसेंट पेपर कवर हो सकता है। अच्छा, ICAP 100% ये वेटेज कवर नहीं करता, यानी फॉलो नहीं करता। उसकी रीजन वो ये बताता है, कहता है हम फॉलो करें, स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी करता है, तो इसलिए वो कहता है कि हम फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी करीब करीब होते हैं। मसलन कहता है IS 7-8 स्टेट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, NPOs, करेक्शन ऑफ एरर, 35 से 45 मार्क्स का पेपर इन 3-4 टॉपिक में से होगा। उसके बाद रेशियोज, IS 33, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, 20 से 30 मार्क्स का पेपर कह रहा है इन 3 टॉपिक में से होगा। उसके बाद IS 16, 23, 40, 20, 36, 30 से 40 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से होगा। अच्छा, आप लोगों का जो पेपर होता है, क्योंकि इससे पहले आप PRC करके आए हैं, वो सारा MCQ बेस्ड था। ये जो आपका पेपर होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके MCQs 10 से 11 मार्क्स के, और T1 लेवल के जो क्वेश्चन है ना, ये 8 से 12 रेंज वाले, वो उसमें होते हैं। जो सेक्शन बी होता है, इसके अंदर T2 वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं 20 मार्क्स तक के, ठीक है। तो इस तरह आपके पेपर के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। चॉइस आपकी कोई नहीं होती, 100% आपने पेपर करना होता है।
और अब यहाँ पे जो अक्सर प्रॉब्लम आ रही स्टूडेंट्स को, उसकी वजह ये है कि आईटीआई के अंदर ना आपके एमसीक्यूज आने होते हैं, तो मेजॉरिटी टीचर आपको खाली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आप आईटीआई तो इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इधर आते हैं तो यहाँ से आपके रिटन यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो डिटेल क्वेश्चन 20-20 नंबर वाले शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर देखने में स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि उन लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि जी वो क्वेश्चन ही नहीं मैनेज होता, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने पीछे डिटेल्ड क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती। तो बहरहाल साथ साथ आप लोग इसके अगर काम करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी इसमें तकरीबन सिलेबस का हमारा जो ऑर्डर है वो यही चलेगा। हाँ, जब रिजल्ट पास होता है आने वाला तो उसमें कई दफा चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट यानी जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो रिजल्ट तक खत्म ना हो, तो फिर हम लोग कोई एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे कर जाते हैं। अदरवाइज जो हमारा शुरू होगा कल से, वो पहले मैं टर्म्स कल एक्सप्लेन करूंगा और परसों से भी इंशाल्लाह हम IAS 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बुक्स जो है वो मैं आप लोगों को यानी वैसे तो स्टडी टेक्स्ट अगर थ्योरेटिकली आप देखना चाहते हैं वो आपकी हेल्पफुल है, बाकी पास्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को ना कुछ दिनों तक बुक बता दूंगा, जरा देख लो भी लेटेस्ट जो बेहतर होगी वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रेफर कर लूंगा।